हाय फ्रेंड्स, सो लेट्स गेट इन विद अमेंडमेंट. सो आज हम पढ़ने वाले हैं अमेंडमेंट्स रिलेटेड टू अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड. अभी एकदम सिंपल अमेंडमेंट है, आई डोंट थिंक दिस विल कम इन एग्जाम. ना हमने सेक्शन 35 पढ़ा था जहाँ पे अपन रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं, और उसमें अपन ने एक सेक्शन पढ़ा था जिसमें ऑडिट के लिमिट्स है कि 2 करोड़ के ऊपर अगर टर्नओवर रहेगा तो जीएसटी का ऑडिट करना कंपलसरी है. इट कैन बी डन बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट, याद है ना. हाँ, अब इसमें अमेंडमेंट हुआ है कि गवर्नमेंट के कुछ एजेंसीज को इससे बाहर निकाल दिया गया. बस दिस इज द 1 मिनट अमेंडमेंट. देखो 35 सबसेक्शन 5, अपने नोट्स में देखना. सेक्शन 35 5 में लिखा है कि 2 करोड़ के ऊपर अगर टर्नओवर है तो ऑडिट इज कंपलसरी. देखो, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन हुज टर्नओवर ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर एक्सीड प्रिस्क्राइब लिमिट shall get account audited by chartered accountant or cost accountant and other records and shall submit copy of audited annual accounts and reconciliation statement under subsection 2 of 44 and such other documents as may be prescribed. ये अपन ने पहले मैं सेक्शन 35(5) को रिविजन करके दिया आपको ताकि अमेंडमेंट समझ में. एंड वॉट वॉज दैट लिमिट? 2 करोड़. ठीक है, या तो कोई प्रॉब्लम. एंड नाउ दिस इज द अमेंडमेंट. द सीजीएसटी अमेंडमेंट एक्ट 2018 has inserted a proviso exempting audit requirement for any department of central government, state government or local authority. लेकिन मैंने ये भी कहा था कि उसको ऑडिट अपन नहीं कर सकते. कौन करता है? कैक. तो वहाँ से भी उनको हटा दिया है, उनको ऑडिट होगा नहीं. ना हम करेंगे ना वो भी करेंगे. कौन से? देखो क्या बोला है. Whose books of accounts are subject to audit by कैक. हाँ, मतलब अगर उनको ऑडिट यहाँ पे ऑलरेडी हो रहा है, और एन ऑडिटर अपॉइंटेड फॉर ऑडिटिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ लोकल अथॉरिटी अंडर एनी लॉ फॉर टाइमिंग इन फोर्स. सो उसके लिए रूल 80 में अमेंड किया गया. रूल 80 में क्या चेंज किया गया? रूल 80 ऑफ सीजीएसटी रूल्स ऑल्सो अमेंडेड प्रोवाइडिंग दैट सच एंटिटीज शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू फाइल एनुअल रिटर्न. तो बोला अभी गवर्नमेंट के जो एजेंसीज है इनका ऑडिट करने की जरूरत नहीं है. बट कौन से एजेंसीज? हुज बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर सब्जेक्टेड टू ऑडिट बाय कैक. ये मैंने आपको पहले पढ़ा था, अपन ऑडिट कर ही नहीं सकते. मेरे रेगुलर लेक्चर में ही कहा था, बस अभी वो लिख के दिया उन्होंने. वी आर नॉट अलाउड टू डू ऑडिट. तो इनका अपन ऑडिट नहीं कर सकते अंडर सेक्शन 35(5). एंड रूल 80 में क्या बोला है? इनके लिए एनुअल रिटर्न भी फाइल करने की जरूरत नहीं है. तो बहुत ही सर्वसाधारण अमेंडमेंट है. आई डोंट थिंक दिस विल कम फॉर एग्जाम, बट नॉलेज के लिए मैंने आपको बता के रखा. इज क्लियर? सो दिस इज द 1 मिनट अमेंडमेंट इन अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स. थैंक यू.